न्यूज़रूम लाइव को स्वागत करुछी मु निवेदिता। दर्शक बंधु आपण माने जानिथिबे लगातार किछि दिन धरी कोविड को नै पूरी थरे राज्यवासी को देशवासी को एमिति कि विश्ववासी को चिंता घारिछि। चिंता एति पई आसुछि जे पूरी थरे कोरोना यूटर्न दैछि, कोरोना पूरी थरे ग्राफ कोरोना ग्राफ उपरम होइछि। सबु भितरे समस्तक मनरे पूरी से शंका भरुछि, से आशंका देखा देउछि, से भय घारुछि जे पूरी थरे कोविड को नहीं लॉकडाउन है जीवनी तो सटडाउन है जीवनी तो पूरी थरे से समाज स्थिति को हमें फेरी बनी तो घर भीतर कबाट बंद करी घरे बसिबा को पड़ी बनी तो ए सब चिंताधारा सेते बेले आसुचे जते बेले आमे जानी छंती जे पूर्वरु आमे जदि कहबा जे कोविड सहित आमे स्वतप्रत भाबे जड़ित एया कोआ जाय पारे काईकिना अल्पे बहुत आमे अनेक कष्ट सही छंती, समस्ते महामारी सहित जुझी होई छंती एवं जते बेले नुआ संक्रमण सामना को आसला समस्तक मरे भयर वातावरण खेली गला एवं को भय एति पई आसुची जे जो संक्रमण पुणी थे बढ़ुची कहीं संक्रमण पुणी थे बढ़ला जदि कह कि दिन पूर्व जिते बड़े स्वाभाविक स्थिति थी हठात एभली कहीं उपर मुहला कोरोना असुविधा के रहीगला कहीं पुणी थे कोरोना कड़ले उठाणी देला पुणी कहीं यूटर्न देला कोरोना ए सब प्रश्न मन को आसुच्छी प्रकृत में असुविधा के रहा कहीं पुणी थे कोरोना पुणी ब्याक कला ए सब कु नहीं चिंता घरुची समस्त मध्य पुणी थे से भय जात हो कहीं पुणी थे कोरोना जदि कह यूटर्न देला अधिक आलोचना करवा आम सहित संजय मिश्र डॉक्टर जोड़ी डॉक्टर मिश्र आपको आलोचना को स्वागत करी एवं या सहित सुभाष साहू से आम सहित जोड़ी डॉक्टर सुभाष साहू आपको आलोचना को स्वागत करी। प्रथम डॉक्टर मिश्र पाखक जावाक चाहिए डॉक्टर मिश्र आप जानते हैं आम समस्ते महामारी सहित जुझी होती समस्ते महामारी को बेस भल भाव जानते लक्षण कौन सबकि आम जानते कितु जिते बड़े पुणी थे महाराष्ट्र कथा जदि कह जो भाव महाराष्ट्र में दिनक दिन स्थित सांघातिक होबू प्रश्न मन को आसुच्चे पुणी थे राज्य में समाज स्थित देखा देवनी तो पुणी थे लकडाउन सटडाउन फेर तो तेज आपंठू जानवा को चाहिए असुविधा के रहा कहीं पुणी थे कड़ले उठाणी देला कोरोना नहीं जेपर आपड़ कहते कि आम स्वाभाविक परिस्थित आड़ को रिटर्न कर बसी एवं से स्वाभाविक परिस्थित भितर गोटे दुईटा केस आसिले भी सेटा बहुत लोगों को स्प्रेड कर चांसेस थाए तापर गोटे मुख्य कारण है आम टेस्टिंग धीरे धीरे कमी बसला तो जमी कोरोना फेज आउट हो बसला से हिसाब से आम टेस्टिंग भी कमी जाता तेणु से हिसाब से जो एग्रेसिव टेस्टिंग बा सर्भेलेन्स दरकार से सर्भेलेन्सटा कमी जाता से जो केस मैंने डिटेक्ट होर पोस्ट सर्भेलेन्स टिके स्लो रही से कड़ इलेक्ट्रोनिक देती कोरोना किंतु मत लगुनी आमको सटडाउन आड़क जावाक पड़ो जदि आम समस्ते पुणी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो तीन टा चार्टा अच्छी मास्क पिंधा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवा अति आवश्यक नथिले गहली स्थान को नजा जदि यही सब जिनस प्राक्टिस करवा आम लॉकडाउन सटडाउन आड़क जावाक पड़ो ना निहति डॉक्टर मिश्र फेर भी आपको सुभाष साहू डॉक्टर सुभाष साहू आम सहित जोड़ी डॉक्टर साहू आपंठू जानवाक चाहिए जे एमती स्थित कहीं पुणी थे बिगड़ा जदि महाराष्ट्र कथ आलोचना को निजाए तेज महाराष्ट्र में स्थित बर्तमान सांघातिक से लकडाउन पुणी थे फेरी नाइट कर्फ्यू पुणी थे फेरी आ परवर्त समय जदि कह केरल कर्णाटक तामिलनाडु जदि कह गुजरात ए सबू जगार सामान स्थित देखा मिलूँ तेज असुविधा क्योंकि रहा कहीं पुणी थे कड़ लेटाणी देना कोरोना मैडम यार दीटा कारण हूँ गोटे हूँ प्रशासन प्रशासन तार जो डॉक्टर मिश्र जहाँ कहले टेस्ट करवा सिम्टम देखिकी डाक्तर को जो दिखाई डाक्तर को परामर्श दिहे डाक्तर मैंने सिम्टम थी टेस्ट कराव कि मु देखुची कौन सी जगार बर्तमान गवर्नमेंट हॉस्पिटल रे जो टेस्ट करा मानने करवा कथा सरकार तरफ प्राय हो द्वितीय है सर्विलेंस नहीं जो मानते सर्विलेंस केमती हम सर्विलेंस टेस्ट ट्रेसिंग हम कौटी जो आप टेस्ट रोसी रिपोर्ट पॉजिटिव बाहर आप आगे टेस्ट करूना कौन मानते कौट आस ट्रेसींग आ घर जा बुलवे कि क्या घर को मानते बुले बुल देखिए ये लोकटा पजिट है आईटर लोक क्या सर संस्पर्श से आसुची द्वितीय बड़ कारण है देखो लोक निजे जो पब्लिक बर्तमान एत खाम खियाली हो गले सरकार हालिया हो गले सरकार किसी चाहूना आक भी से हिसाब से निज को निजे एत खामुखियाली देखुं जेकोसी जगार देखिए भिड़ हो कौन सी मास्क पिंधुना कि कौन सी जिनस को आपणुना जो हाथ धोबाटा तो आम देख पारना कितु निश्चित भाव आम दीटा जिन देख पार्थे गोटे मास्क आउ सोशल डिस्टा फिजिकाल डिस्टास्टा को मेन्टेन करवा
गोटे कोरोना जोड़ा कहते रिटर्न करिवो काहेकि ना तार गोटे जो ट्रांसमिशन रो ये रही सी थ्रु आम वाटर ड्रॉपलेट्स द्वारा जाऊँगी आम न ये जो सोशल डिस्टेंस जो मास्क न पिंधा निश्चित भाव से ओलटा आसव कितु मुझे देखुची बर्तमान एतटा नुह जो थे कि जो संक्रमण टा सीना ये मानते कोरोना रो जो वेरिएंट अच्छी ये अधिका रोचे किंतु मोर्टालिटी मॉर्बिडिटी बिल्कुल प्राय कमी गलानी हुए तो सीटा सरकार भी देखौ नथिबे आमे माने सेइतरे भी मु सहमत नुह कहिना इटरे सरकार भी सजा करबा दरकार डॉक्टर साहू मु अपन जनेबा पई चाहे जदि कहबा जे गत 24 घंटा को जदि आलोचना को न्याय जाय तबे गत 24 घंटा भितरे देश रे 23,285 नुवा संक्रमित मामला सामना को आसुछि सब भितरे महाराष्ट्र रो स्थिति वर्तमान सांघातिक महाराष्ट्र कथा जदि आलोचना को निया जाय गत 24 घंटा भितरे महाराष्ट्र रे 14,317 टी मामला सामना को आसीछि ए सब भितरे मृत्यु संख्या 56 को छुइछि तबे डॉक्टर साहू हमको केते सतर्क हेबार आवश्यकता रहिछि ताहेले जाय आमे पुणी थरे कोविड सहित मुकाबला करि परिबा मैडम जोटा कहले महाराष्ट्र से निश्चित भाव टेस्टिंग करुथिबे आउ जो सिम्टम सिम्टमेटिक नहीं आसुचार जो पेशेंट्स फीवर हो फ्लू लाइक सिम्टम हो कि अन्य प्रकार जेते कोविड सिम्टम्स देखा से निश्चित सरकार सजग हो टेस्टिंग करुथिबे जो थे कि पॉजिटिविटी बेस आसुची कितु देखते कौन जोटा आप कहे डेथ रेट बहुत कम 14,000 आप देख 50-56 भितर हुए तो सेटा भी लुचे थाई पारती जो थे कि लुचे फल लोक मन गोटे सन्देह आसमर तो संक्रमण सीना अधिका होक तो मरुना आम कौन भी पिंधा से जिनसा भी रोचे लोक को मेसेज जवा दरकार ये भेरी डेंजरस ये आम देह छाड़ब ना कि आम देश जीव ना कि आम स्टेट रु जीव ना से आम निजी सजग हेबर आवश्यकता रही ताहले जाय आमे पुणी तरे कोविड सहित मुकाबला करबा डॉक्टर साहू फेर भी आपन पाकु पुणी तरे संजीव मिश्रा डॉक्टर संजीव मिश्रा हम सहित लगातार भाबे जोडी छथि डॉक्टर मिश्रा आपन थारु जानिबा को चाहबी जे जोंबळी भाबे लोकक अभळार चित्र सामना कोसला सेया भितरे प्रशासन सरकार तबे दाई कहा को करा जाय पारे ए जो स्थिति वर्तमान पुणी थरे फेरी छि पुणी थरे सेही स्थिति को आमे फेरबा को जाउ छथि जे एथि पई दाई कहा को करा जाय पारे लोकक अभळा ना प्रशासन रो ना यही परिस्थिति पाई तो मुख्यतः लोकों अवहेला को ही आमको दायी करने को पड़ो तांगे प्रशासन भूमिका रही किंतु लोकंर अवहेला ही मुख्य कारण जो संक्रमण रेट बढ़िबार मुख्य जो कारण भितर कारण कहीं मास्क पिंधुना जनगहली स्थान को जाऊँच लोक मान भर कोरोना डरटा आई भाया दिशुची आप शिवरात्रि है किसी दिन आगु आप देखिथे लोक मैंने मंदिर प्रबल भिड़ कले कि मंदिर तो बहुत जनबस जोटा कि आमर नियम बाहर को जाकर पूजा अर्चना करुं तेणु से सब जिनस देखिथे जात्रा पार्टी मैंने डिमांड कले जात्रा आरंभ हो ना जीवन जीविका जाऊँगी परिस्थित आम मुख्य दायी से जनता मान को ही पड़ो कि सरकार भूमिका रही कारण से लोक मैंने से दाबी कले सरकार जदि ठीक प्रपर वे प्लानिंग कर सब जिनस को न प्रोत्साहन देवे ताहले आम बचिपर जपरी हायर शिक्षानुष्ठान मान खोल निष्पत्ति भी कि मात्र भूल थी से ही भाव में आग को मध्य आमको आउ सजग हो रहा पड़ो आउ 6-8 मास पर्यंत जब आम ठीक ठीक सजग हो रहा ताहले जाए आम कोरोना को हरई पार देश कोरोना को हरई पार तेणु परिस्थिति रे कोनोसी भी साधारण जनता साधारण लोके जेतिके मात्रा रे दई ताठोर अधिक प्रशासन को दाई करा जाई परबो काहे कि आपण जानिथिबे जो बळी भाबे लॉकडाउन शटडाउन खूब विलंब रे होइतला एवं जदि पूर्वर याको करा दई थांता होए तो स्थिति एते सांघातिक होइ नथांता राज्यवासी एते लोकंकर राज्य रे मृत्यु संख्या बढ़ी नथांता संक्रमितक संख्या बढ़ी नथांता तेबे कोटा कोटी प्रशासन को पुणी सेतिके सजग हेबार आवश्यकता रही जानते आपण जो लॉकडाउन शटडाउन करागला कड़ा चेकिंग करागला लोकों मध्य से भय तो भय रहा जो लोके भयभीत हेले मास्क पिंधिले सानिटाइज हेले सामाजिक दूरत्व रहा पुणी थे सरकार को प्रशासन को पुणी थे से कटकणा को अवलम्बन करिवार आवश्यकता रही कि
हाँ निहाति भाव में सरकार को कटक अवलंबन करार आवश्यकता रही संबलपुर मझे मझे चेकिंग मास्क से गोटे जिन आम समस्त मन रखा पड़ो कि सरकार नियमटा बनईदे नियमटा बनईदे फल से लोक मैंने ही पालन करवाक पड़ो। हेलमेट पिंधार नियम बहुत वर्ष रु अच्छी लोक मैंने हेलमेट पिंधुना न पिंधा फल रोड एक्सीडेंट डेथ हो तेणु से जगार सरकार तो आणिक पिंधे पारे से न पिंधे फाइन करेंगे नियमटा बनईदे नियमटा बनैला से पालन करार आम निजर दायित्व रही पालन ठीक भाव में होना से देखार सरकार दायित्व रही तेणु यही परिस्थित मध्यदी लोके निजे सचेतन न होते जमी सार कहते कि लोक जी भावे कि करोन तो डेथ होनी आम कहीं पिंधु तो तांकर जो मैंने सुस्थ सबल व्यक्ति अच्छे से मध्य डेथ हो नपे कि करोन आक्रांत हो घर को नहीं जी सेठे जी रोगग्रस्त कई फैमिली मेम्बर था कि सीनियर सिटीजन था डेथ होवार चान्सेस रही से सब जिनसा गभीरता जी से निजे अनुध्यान न करेंगे तेल बहुत किसी कर पारे ए परिस्थित ओके डॉक्टर मिश्र फेर भी आपरे सुभाष साहू जी डॉक्टर साहू जे आपण जानिथिबे राज्य सरकार को महाराष्ट्र स्थिति देखि अर्थात कर्णाटक केरल गुजरात तमिलनाडु ए सबुर स्थिति को देखि राज्य सरकार को मध्यरे मध्य कोटना कोटि भय गारिछि जेउति पई पांच राज्य फेरंता को उपरे नजर रखा जाइछि कडाकडी चेकिंग करा जाउछि तबे समय आसीछि कि पुणि थरे जेउभली बाबे बाहर राज्य रु जो गाडी गुडी को आसुछि ए सबु को बंद कर देबार आवश्यकता रहिछि विशेष करी जो पांच संक्रमित राज्य रहिछथि सेठारु जो यातायात करा जाउछि ता उपरे समय आसीछि कि से सबु को ब्रेक लगाइबार नहीं मैडम एबे आउ सेई समय को आमे जदि ब्रेक लगेबा वर्तमान आउ सेई जदि जीवन जीविका को जदि आमे बंद करिकरी फेर आउतरे से लॉकडाउन शटडाउन को जीवा ताले हुए तो फेर परिस्थिति भयंकर हबो लोक आउ के का को मानिबे नाही कहिने इथरे सरकार जते चेष्टा कले भी से उठे स्क्रीनिंग करबा दरकार कोठ आसुति कौन करचुति किछि से स्क्रीनिंग ता निहाति दरकार के मना करू नाही किंतु जेते चेष्टा करिबा कथा जे जे जोठे अछंती सेठे रहिकरी तार जदि कोनोसी असुविधा होची फ्लू लाइक सिम्पटम्स रहूची कि कोरोना तक अफेक्ट हेची सेठे ही से माने जनसाधारण नीचे नीचे डाक्टरखाना को जाई तार माने ये माने सिम्पटम्स को देखेकरी टेस्टिंग करिबा दरकार चाहे से आम ओडिसा सरकार रहवंतु किबा बाहर कोनोसी सरकार पाखरे स्टेट रो रहवंतु से माने जनसाधारण नीचे नीचे को कौन सी जगह को जाकू निज को मान ज्वर होश हो थंडा सीए निजे वॉलंटरली निजे जीवाक हम ना गहली जगह को गहली गले कौन हम सीए निज को बाकी निजे तो सफर कला कला आउ दस जन कि पंद्रह जन कि पचास कि मानने हजार लोक को मानते सफर करेब से यहाँ मुझे भावुची आ सरकार जो कटकणा करवा कथा निश्चित कटकणा टा कौटी अच्छी ओनली जेते सिम्प्टोमेटिक आसुछि ताको आगे टेस्टिंग करिवो टेस्टिंग करिवो और टेस्टिंग ताको प्राइवेट आउ गवर्नमेंट रे पूरा टोटली जेते फ्रीली करै परिवो सेटा देखियो आपण जानिथिबे जे जो टीका को नै लोक को मध्ये गोटे आश्वस्ति आसिला लोक माने साधारण तो आश्वस्ति लाभ कले जे टीका आसी गला होय तो जदि संक्रमित संख्या वृद्धि पाए एवं जेबले बाबे वयजस्ट को टीका दिया जाउछि एवं आपण जानिथिबे जे एप्रिल 30 टाई अवधि को बढै दिया जाइछ अर्थात टेस्टिंग प्रक्रिया को बढै दिया जाइछ जार लिमिटेशन मार्च पर्यंत थिला तबे सबु भितरे आहुरी केते सजाग हेबार आवश्यकता रहिछ आहुरी केते सचेतन हेबार आवश्यकता रहिछ मैडम सचेतन निहाति दरकार ता संगे आपण जोडा कहिले वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन प्रोग्राम को बढै देबा दरकार जोडा कि 45 कु 45 वर्ष टू 60 वर्ष भितरे जोडा को मॉर्बिडिटी थिबो ताकू देखिकरि दबो सेटा माने पूरा टोटली वर्तमान 45 टू 60 एबो पर्यंत समस्त को टीकाकरण करा जाई पारे सरकार को पाखे वैक्सीन भर्ती सेंट्रल गवर्नमेंट रे बाहर देश को भी दिया हो आम देश रे आउरी जो प्राइवेट हॉस्पिटल मान को एते माने ये कर दबा जोटे कि गवर्नमेंट जो भिड़ हो से भिड़ा को कमे कि प्राइवेट हॉस्पिटल जो पैसा देकर जो किसी पेमेंट देकर देखो तो अमेरिका रे गोटे हूँ मिनिमम के माने डॉलर हिसाब से देखले $50 पर्यंत बिकुचंद आमर ये टंका 250 रे जदि आमे देई परिबा वैक्सीनेशन प्राइवेट रे भी लोकों को 45 वर्ष टे एबो कर देई परिबा आउ टिके बढी जीव टीकाकरण सेइतरे हुए तो आमे निश्चित भाबे ए जो कोरोना को रोकि परिबा काई ना परसेंटेज ऑफ जो आमर वैक्सीन द्वारा जो इम्युनिटी बढीबो निश्चित भाबे आमे फ्रंट लाइनर हेल्थ वर्कर को देले आगे कोरोना माने जते सब माने हेल्थ वर्कर को देला परे आमे बहुत बहुत कमी गलाणी आमे माने ओडिसा रे 4-5 लाख लोक को आमे
ଦେଇ ସାରିଲେଣି। ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ମିନିମମ୍ 50 ଲକ୍ଷ କରିଦେଇ ପାରିବା ଗୋଟେ 15 ଦିନ କି 20 ଦିନ ଭିତରେ, ହୁଏତ ଆମେ ବହୁତ କମେଇ ଦେଇପାରିବା। ସେଇଟା ଯଦି ନ କଲିବେ ତାହେଲେ ସରକାର ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଲୋକ ମାନିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଲୋକ ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ସତର୍କ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସଜାଗ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମେ କୋଭିଡ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବା ଏବଂ ଏ ସଂକ୍ରମଣରୁ ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବା। ଡକ୍ଟର ସାହୁ ଫେରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ, ପୁଣି ଥରେ ଯିବି ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ। ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର, ଯଦି କହିବା ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଦେଶରେ ଦୈନିକ କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 8000 ରହୁଥିଲା ଏବଂ ଯଦି କହିବା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା 30,000କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, କେଉଁଟା କେଉଁଠି କୋରୋନା ଗ୍ରାଫ ଉପରମୁହା ହୋଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କେରଳ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଏହି ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଦେଇଛି, ପୁଣି ଥରେ ରାଜ୍ୟରେ ସମାନ ସ୍ଥିତି ଦେଖାଯିବନି ତ? ଏ ଭୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଘାରୁଛି। ନିତ ଏକ ଭୟଟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁନି ଯେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସେଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେବ, କାରଣ ବହୁତ ହିସାବରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ନିୟମ ନୀତିଟା ପାଳନ ଚାଲିଛି, ପାଳନ ଚାଲିଛି। ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ତାପରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲାଇନର୍ସ ତମେ ଦେଶ ଭିତରେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ କଭରେଜ ଆମର ହାଏ ଅଛି, ଆମର ହେଲ୍ଥ କେୟାର ୱାର୍କର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ କଭରେଜ ସଫିସିଏଣ୍ଟଲି ହାଏ ଥିଲା। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ କମ୍ ରହିଛି, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଠିକ ରହିଛି। ହଁ, କିଛିଟା ନିୟମ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଛି କି ମାର୍କେଟକୁ ଟିକା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଥିବେ ନିଜ ଆଡୁ ମାର୍କେଟରୁ ଦୋକାନକୁ ଯିବେ, ଟିକା କିଣିବେ, ନିଜ ଟିକା ନେବେ, ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ବେଶୀ ରହିଛି କି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଡେଫିନେଟଲି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି ଏବଂ ଟିକା ଓପନ ମାର୍କେଟକୁ ଛାଡ଼ିଯିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାନିକି ବୁଝି ରଖିକି ଚଳିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆମ ଦେଶର 70% ଲୋକ ଏବେ ବି ଗରିବ ଅଛନ୍ତି, ରୁରାଲ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଓପନ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ହାର୍ଡଲି 5-10% ଖାଲି ଭ୍ୟାକ୍ସିନର ଜିନିଷଟା ପାଇପାରିବେ। ଯେଉଁ ଗାଁର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମେ ବି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସରକାର ସେ ହିସାବରେ ପ୍ରପର୍ଲି ସେଇଟା ଡିସିଜନଟେ ନେବ, କେମିତି ଭାବରେ ସେମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ କଭରେଜକୁ ବଢ଼େଇବେ ଏବଂ କେମିତି ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇନଫେକ୍ସନ ଚାନ୍ସେସ୍ ବେଶୀ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ କରାଯାଇପାରିବ। ନିହାତି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ଯେ ମାର୍କେଟକୁ ଯଦିଓ ଛଡ଼ାଯାଏ ତେବେ ଇଏ ନିହାତି ଭାବରେ ଫଳପ୍ରଦ ମଧ୍ୟ ହେବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ସଞ୍ଜୀବ ମିଶ୍ର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଡକ୍ଟର ସାହୁ ଲଗାତାର ଭାବେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ସାହୁ, ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଖ୍ୟାମଖ୍ୟାଲି ମନୋଭାବ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଏକ ସାଙ୍ଘାତିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଡାକି ଆଣିପାରେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷ ମେସେଜ କ'ଣ ରହିବ? ମୋର କହିବା କଥା, ସରକାର ଯାହା କରୋନା ମାନେ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କେ ସିଏ ନା ତାଙ୍କର ବାଟରେ ଯିବେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟିଂ ଯାହା କରିବା କଥା କି ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବା କଥା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏ ମେସେଜ ଯାଉ ଯେ ଲୋକ ନିଜେ ନିଜେ ସଜାଗ ରହି ଏଇ ଯୋଉ 3ଟି ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି ତାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଆଉ ଯୋଉଠି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ଦେବାର ଯୋଉ ମାନେ ଦିଆହେଇଛି, ସରକାରୀ ହଉ କି ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲ, ସରକାରୀ ହିସାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାଇକିରି ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରିବେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନକୁ ଆପଣେଇ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପ୍ରାଇଭେଟ ବାଲା ବି ପ୍ରାଇଭେଟରେ ବି ଦେଇ ଦେଇକିରି ଯାହାର ଯିଏ ସକ୍ଷମ ହେଇପାରୁଛି 250 ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ସାହୁ, ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ ହେଲେ, ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯେଭଳି ଭାବେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ପୁଣି ଫେରିବ କି ଲକଡାଉନ, ଆମେ ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ, ଯାହା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ପୁଣି ଥରେ ଲକଡାଉନ ଫେରିଯିବନି, ତ ସେଇ ଭୟ ସେ ଆଶଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଘାରିଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆମେ ବହୁତ ଭଲସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, କେତେ ଜଟିଳ ସ୍ଥିତି ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଏସବୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶେଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଉପଦେଶ ରହିବ, ସେଇ 3 ସୂତ୍ରୀ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା, 4 ଯାହା ଆଡ୍ ହେଇଛି, ଯେ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ସାନିଟାଇଜ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ହଁ, ସମସ୍ତେ ଟିକା ନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ସମୟ ସରିଛି, ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ ଲାଇଭ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।